गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे कि 10 लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, 10 लेक्चर अपलोड कर दिया है और उसमें अब अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में वो क्वालिटी कंट्रोल है, मतलब गुण नियंत्रण है। ठीक है, ये 11वां लेक्चर रहेगा। तो आज हम लोग इस 11वें लेक्चर में क्वालिटी कंट्रोल देखने वाले हैं। टॉपिक क्या है? क्वालिटी कंट्रोल, इसे गुण नियंत्रण भी कहेंगे हिंदी में। ठीक है, हिंदी में लिखना थोड़ा सा अनकंफर्ट रहता है, ऊपर नीचे लिखा आएगा, इससे इंग्लिश में लेक्चर चलेगा। आप सुन करके बस अपने नोट्स खुद बनाएंगे और समझेंगे, सिर्फ आपको सुनना और समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी की बात तो हम लोग कर चुके थे पिछले लेक्चर में, वहाँ से अच्छे समझे थे क्वालिटी होता भी क्या है, स्पेसिफिकेशन समझे थे, स्टैंडर्ड समझे थे, मानक, मानक क्या होता है, क्लास में भी कई बार मानक मैंने बताया है। आज हम लोग क्वालिटी कंट्रोल देखने वाले हैं। पहले मैं इसकी डिफिनीशन लिख देता हूँ एक दो लाइन में, सुनिएगा लिखिएगा भी। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल इज द प्रोसेस और टेक्निक, और टेक्निक बाय विच स्टैंडर्ड आर मेंटेन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और गुड्स दोनों की चीज़ होती है। देखिए, ये सब अपने से डिफिनीशन बनाया है मैंने, मतलब समझ कर, क्योंकि बुक नहीं है हमारे पास, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चल रहा है, आप सिलेबस को मिलाते भी रहिएगा। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ प्रोसेस और टेक्निक बाय विच, क्वालिटी कंट्रोल एक टेक्निक या प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टैंडर्ड आर मेंटेन ऑफ द प्रोडक्ट या गुड्स, प्रोडक्ट या गुड्स दोनों एक चीज़ होती हैं, प्रोडक्ट या गुड्स दोनों ही एक चीज़ होती है। ठीक है, गुड्स मतलब भी उत्पाद ही होता है, प्रोडक्ट भी मतलब उत्पाद होता है। ठीक, तो इस मतलब क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा टेक्निक है जो प्रोडक्ट के क्वालिटी को या उसके स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड क्या था, एक ऐसा मानक था जो कि हमने स्पेसिफिक एक प्रोटोटाइप बताया था आप लोगों को, कि एक प्रोटोटाइप ऐसा बनाया था, मॉडल बनाया था जो कि हर क्वालिटी को फुल, मतलब हर चीज़ को उसमें स्पेसिफिकेशन को फुलफिल कर रहा था, तो उसको हमने मानक माना था। तो वही मानक की बात करते हैं, वही जो हमने एक बनाया था वो हर प्रोडक्ट में मेंटेन रहना चाहिए, मतलब एक हमने जो सैंपल पीस बनाया था उसमें सब कुछ क्वालिटी फुलफिल पूरी तरीके से मेंटेन की गई थी, तो वो जो क्वालिटी उसमें मेंटेन थी वो सारे के सारे प्रोडक्ट में एक जैसा रहना चाहिए। 100 बनाए तो 100 में ऐसा हो, अगर ऐसा होता है इसको मेंटेन किए रहते हैं हर प्रोडक्ट के लिए, तो इसी को क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, आगे इसी में और कुछ है, अंडर दिस टेक्निक बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लिखा जाए, क्योंकि सिर्फ बोलने से, मैं सिर्फ बोल दूँ ना लिखूँ तब भी आपको एक नोट्स मिल जाएगा मोटा मोटी, इसलिए लिखना थोड़ा ज़रूरी है। तो अंडर डिश टेक्निक, टेस्टिंग द प्रोडक्ट, अपने से आप समझ के बना सकते हैं, टेस्टिंग द प्रोडक्ट एंड मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट प्रोडक्ट आर प्रिपेयर according to their specification. If product have no conformance as given
स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट then taken tax लिख लें taken नहीं tax correct step by companies and maintain quality as much as possible. ठीक है, बहुत ही सिंपल लाइन है. पहली लाइन तो डिफिनीशन थी बस, जिसमें क्या करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर में स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं. उसके बाद क्या है कि अंडर दिस टेक्निक टेस्टिंग, सिर्फ टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट एक बार बन जाता है तो फिर आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी को फिर से सुधार नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर सुधार करने लायक होता है तो करेंगे, अदरवाइज इसको वैसे ही चलने दिया जाता है. क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता है कि आपने प्रोडक्ट अगर ख़राब है तुरंत सही कर लेंगे, नहीं. प्रोडक्ट एक बार बन जाता है तो वो उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ सुधर सकती है. आप ऐसे समझेंगे, अब मैं आगे इसको समझाऊंगा तो डिटेल में चलेंगे तब समझ में आएगा. ठीक है, तो अब इसमें क्या लिख रहा है कि अंडर दिस टेक्निक टेस्टिंग द प्रोडक्ट, इस टेक्निक के अंदर प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं एंड मेक श्योर और निश्चित हो जाते हैं कि प्रोडक्ट आर प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन. और ये कंफर्म हो लिया जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिकेशन, मैंने पढ़ाया स्पेसिफिकेशन क्या है, कि जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिकेशन के आधार पर है कि नहीं है. जो भी स्पेसिफिकेशन कंपनी ने या डिजाइनर ने दिया है उस स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करता है कि नहीं करता. ठीक है, तो ये ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग को इस क्वालिटी कंट्रोल के अंदर में ही रखा गया है. अगर टेस्टिंग नहीं करेंगे, इंस्पेक्शन नहीं करेंगे और इसमें सुधार नहीं लाएंगे तो कभी भी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती है और मार्केट में कंपनी का नाम भी ख़राब होने लगेगा, रेपुटेशन, क्योंकि हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आने लगेगा. डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट जो कस्टमर अगर समझ जाएगा कि हाँ इसमें ये कंपनी डिफेक्ट प्रोडक्ट देती है तो हाँ रेपुटेशन पर खतरा आ जाएगा. इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है, तो फिर क्या है, लिखता है कि प्रोडक्ट आर प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन, उसको उसके एक स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रिपेयर है ये मेक श्योर हो लेता है. अगर प्रोडक्ट हैव नो कन्फॉर्मेंस, अगर ऐसा नहीं होता, उसमें समरूपता नहीं होती है एक और एज अ गिवन स्पेसिफिक, मतलब जो स्पेसिफिकेशन में दिया है वो प्रोडक्ट में नहीं है, तो फिर टेक्स द करेक्ट स्टेप बाई कंपनी, तब कंपनी क्या करेगी, कुछ अच्छे स्टेप लेकर के मेंटेन क्वालिटी एज मच पॉसिबल. अब वो कुछ उस प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन आगे के प्रोडक्ट में अगर उसमें कुछ सुधार नहीं हो जाए, सुधार करेगी, लेकिन आगे के प्रोडक्ट में फिर कोई टेक्निक्स लगा करके, कुछ प्लानिंग कर करके फिर सुधार करेगी. ठीक है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है. थोड़ा सा मैं अगर एक, चूँकि एक ऐसे एक लाइन डायग्राम टाइप को बनाऊँ तो क्वालिटी कंट्रोल ऐसे लिख लिया और इसमें एक ऐसे लाइन खींच लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, शायद ये वीडियो में नहीं आ रहा है, मुझे मिटाना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे चलना पड़ेगा. ठीक है, मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट है और टेस्टिंग के दौरान पाया गया कि उसकी क्वालिटी एज ए परसेंटेज निकाल करके उसकी क्वालिटी 60-70% है. अब हम इसमें तीन स्टेप में समझेंगे इस चीज़ को. स्टेप वन लिखता हूँ मैं, ये सिर्फ समझने के लिए, ये कहीं पे डेटा डिटेल नहीं बनाए, खुद बनाया हुआ है. स्टेप टू है और स्टेप थ्री है. देन वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट स्टेप नंबर फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड. अब स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले ये 60-70% ये टेस्टिंग का पता लगाएंगे, हाँ इसमें 60-70% है कि नहीं है.
तो टेस्टिंग द प्रोडक्ट इफ क्वालिटी मेंटेन, टेस्टिंग द प्रोडक्ट इफ क्वालिटी मेंटेन मतलब अगर 60-70% क्वालिटी कंट्रोल ने बोला है या मैनेजमेंट का 60-70% तक चलेगा, मान लीजिए अगर इतना है तो ये प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट हमने टेस्टिंग किया और पता लगा कि प्रोडक्ट 60-70% क्वालिटी वाला है, आता है इतना, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, यूजफुल हो जाएगा, स्टेप सेकंड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पास कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। अगर ये प्रोडक्ट नहीं होता है सही, मतलब टेस्ट किया और टेस्ट में समझ में आता है कि डेवलपमेंट आर नीडेड, इफ डेवलपमेंट आर नीडेड, मतलब कहने का मतलब है कि इस जगह पे पाया गया कि ये प्रोडक्ट 60-70 नहीं, ये 40%, 40 बहुत कम हो जाएगा, 50% की ही क्वालिटी रख रहा है, 50-60% तक की क्वालिटी रखता है, तो अब इसमें डेवलपमेंट की नीडेड है, तो फिर अगले स्टेप में जाना है, ठीक है। अब फिर कोशिश करेंगे, होता तो नहीं है बट वी आर ट्राई टू इम्प्रूव, ट्राई टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, कोशिश करेंगे, क्योंकि बनने के बाद कोई सुधरती नहीं है कोई चीज़, जानते हैं आप इस बात को, ठीक है। एक बार सब्जी बन गई तो उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं, बस अगर नमक ज़्यादा है तो हल्का सा ग्रेवी बढ़ा सकते हैं, मतलब वैसा होता नहीं है बट आप इसे समझ सकते हैं कि इसी तरह प्रोडक्ट है, एक बार कट फिट गया बन गया तो उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, बस थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, कुछ डायमेंशन ऊपर नीचे है तो सुधार किया जा सकता है, लेकिन आप उसमें बहुत हद तक नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 50 है तो मैं मान के बस ये चलता हूँ कि प्रोडक्ट को बहुत अगर आप सुधार करेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, 55-60% आप मान सकते हैं बस, ठीक है। तो आप कुछ कंपनी ने डिसाइड किया था कि हमें चाहिए 60-70%, लेकिन बहुत नहीं हुआ, बहुत होने के बाद 55-60%, तो इस तरीके से क्या होगा कि क्वालिटी कंट्रोल की जांच हुई, क्वालिटी कंट्रोल जो अपना वर्क यही करता है, आप देख सकते हैं समझ सकते हैं, अब वो मेक श्योर हो जाएगा अगले वाले के लिए कि हमें क्या सुधार लाना है, ठीक है, अगले के लिए वो एकदम श्योर हो जाएगा कि हमें सुधार क्या लाना है। तो इसे ये क्वालिटी कंट्रोल के अंदर था, उम्मीद करते हैं आपको इस तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अगला टॉपिक है क्या करना चाहिए इस क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, क्या करना चाहिए, है ना। तो दूसरा टॉपिक आप कहेंगे इसको मेन वर्क, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मेन वर्क शुड बी डन अंडर क्वालिटी कंट्रोल। नंबर एक है, पहले तो कोई स्टैंडर्ड ही मेंटेन कर ले, तो पहले नंबर पे मेंटेन स्टैंडर्ड नंबर दो पे इफ मेंटेन कंफॉर्मेंस कंफॉर्मेंस नंबर तीन पे सर्च न्यू आइडिया और टेक्निक टू रिड्यूस डिफेक्ट। चार नंबर प्लानिंग फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी क्वालिटी, ठीक है। अब इसी को समझेंगे, यही हमारा आज का टॉपिक है, अभी इतना ही समझना है आज, ठीक है। तो
तो अगर मैं पहले की बात करूं एज ए एग्जाम्पल लेकर के, तो क्या एग्जाम्पल लेके बात करना चाह रहा हूं मैं, कि अगर इफ नंबर एक के लिए, इसके लिए बात करते हैं, इफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है 80 आउट ऑफ 100 में 100% क्वालिटी मेंटेन करता है, ठीक है, तो हमें कम से कम एटलीस्ट वी आर गोइंग टू 70 to 75%, 75% या 80 तो हो गया, तो फिर स्टैंडर्ड मेंटेन ही हो गया, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो कम से कम 75, इससे मोर देन 75 से ऊपर हमें रहना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन है, अदरवाइज हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी हो जाता है कि स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए पहले एक स्टैंडर्ड का परसेंटेज निकाल लिया जाए कि भाई कितना स्टैंडर्ड पे वर्क कर रहा है, मतलब कितने स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सकता है, पता लगा उसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश नहीं और क्वालिटी कंट्रोल के पीछे पड़े कि यार और सुधार करो सुधार करो, लेकिन नहीं, देना पड़ता है। 75% वाला रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, इतना मेक श्योर होना पड़ेगा। इसलिए स्टैंडर्ड को बहुत हद तक काफ़ी सही बनाते हैं, स्टैंडर्ड को बहुत हद तक सही बनाते हैं। अरे वो ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा मेंटेन कन्फॉर्मेंस। तो मेंटेन कन्फॉर्मेंस में क्या था, मेंटेन इसमें समरूपता, एग्जाम्पल है जैसे समरूपता क्या होगा कि इसमें तीन चार चीज समरूपता बताया, जैसे कलर हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है, कलर हो गया, डायमेंशन हो गया, शेप हो गया, ये सब चीज़ों को मिलान करना है। तो कलर कम से कम ये तो मिलना ही चाहिए भाई, 100% कोई बड़ी बात नहीं है, डायमेंशन भी 100% तक होनी चाहिए, शेप कम से कम 95% से ऊपर, इस तरीके से मेंटेन करके स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सकता है। तो कन्फॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, कोशिश की जानी चाहिए कन्फॉर्मेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट एक बार दिखाई भी उस तरह से पड़ेगा जैसा कि आपका क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड है, तो भी कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं समझ में आएगा कि हाँ इसमें कुछ डिफेक्ट है, नहीं है, पतला के ऊपर से ही वो ऐसा दिखाई पड़े तो डिफेक्ट ही समझ में आ गया कि पहले ही प्रोडक्ट वैसा है, ठीक है। तो इसको मेंटेन करना जरूरी। तीसरा क्या है, तीसरा जो मेन वर्क है इनका, सर्च न्यू आइडिया टेक्निक। अब ये इस, अच्छा इस वाले में अब मेंटेन कन्फॉर्मेंस में ये जरूरी होता है कि हर प्रोडक्ट को एक लुक दे पाए, एक कलर का हो, एक लुक का हो, एक डायमेंशन के हो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कन्फॉर्मेंस मेंटेन हो जाएगा। तीसरा क्या है, सर्च न्यू आइडिया। अब न्यू आइडिया से क्या मतलब है, कि कोई रिसर्च करना हो, हाँ बिल्कुल, ऐसा आइडिया खोजना है जिससे डिफेक्ट मिनिमम हो सके, है ना। सर्च न्यू आइडिया में तीसरे नंबर पे है कि फाइंड आउट न्यू और स्पेसिफिक, या साइंटिफिक, नॉट स्पेसिफिक, न्यू और साइंटिफिक टेक्निक जिससे क्या कर सकें, बाय विच डिफेक्ट कैन बी डन एट मिनिमम लेवल, ठीक है। होता क्या है, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि बहुत डिफिकल्टीज होती है करने में, तो कम से कम ये कुछ इस तरह के हो नहीं पा रहा है, वर्कर्स को कर नहीं पा रहा है, श्रमिक बहुत कोशिश कर रहा है पर हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे में जरूरी होता है कि कुछ इस तरीके से साइंटिफिक टेक्निक्स खोजी जाए जिससे करने में आसान हो, वर्कर दिलचस्पी बहुत ले, मन लगा करें, तो ये जरूरी हो जाता है कि कुछ ना कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स खोजनी पड़ती है। लास्ट क्या है, प्लानिंग फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी। तो इसमें से प्लान करना है बाई मैनेजमेंट, इसमें प्लांट में करना क्या है कि ऐसा प्लान बनाएंगे इस तरीके से कि जो वर्क हो टाइमली होने के साथ साथ क्वालिटी को मेंटेन भी करें, ठीक है, मेंटेन ऑल टाइप ऑफ, तब डिफिकल्टीज ठीक है रिमूव आउट,
उसको प्लान ऐसा बनाना है कि जितनी भी डिफिकल्टीज हो रही है वो बाहर हो सके, उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है, तो ये सब है। क्वालिटी कंट्रोल था, फिर क्या वर्क करना चाहिए उसमें, आप ये दो दो तीन तीन लाइन सब में लिख लेंगे। ठीक, इस तरीके से ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, नए लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।